हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। अपने चैनल का नाम है माय क्लासेस, आई एम दीक्षांत। हम लोग पढ़ रहे हैं सर लक्ष्मी कांत, और इसमें हम लाइन टू लाइन लक्ष्मीकांत सर की बुक को पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। अभी वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 53, विच इज़ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। बेसिकली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर कर रहे हैं, तो लेट्स बिगिन। ये तो सिर्फ एक पेज का ही चैप्टर है, तो इट विल बी एयरली टेक अराउंड 5 मिनट्स ओनली। तो देखो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इससे पहले अपन ने पढ़ा AGI, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि अटॉर्नी जनरल इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसी तरह अगर स्टेट के बारे में बात आएगी तो ही इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। आर्टिकल 165 प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अगर आर्टिकल 165 इसको प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑब्वियसली, ठीक है। दस ही कोरस्पॉन्ड्स टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिस लेवल पे इंडिया के लिए है, उसी लेवल पे अटॉर्नी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट स्टेट लेवल पे है, समझे। जैसे सेंटर के अंदर PM है, स्टेट के अंदर CM है, वैसे ही सेंटर के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और वैसे ही स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। चलो चल आगे देखते हैं क्या उसकी अपॉइंटमेंट है। जैसे कि अपन ने देखा है इससे पहले, अटॉर्नी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाई प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है, वैसे ही इनको अपॉइंट करने वाले गवर्नर भाई साहब हैं। उसके अंदर अपन ने क्या देखा, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यही बात हुई थी ना, अटॉर्नी जनरल जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, तभी उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिख रखा है कि ही इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट की बात हो गई। इन अदर वर्ड्स, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, मस्ट हैव हेल्ड एज जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल इज़ नॉट फिक्स्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन टर्म, ठीक है। सेम चीज़ उसके अंदर है, अटॉर्नी जनरल के अंदर, उसका भी ऑफिस का टाइमिंग नहीं फिक्स कर रखा। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। ही होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, इंपॉर्टेंट। तो एडवोकेट जनरल होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दिस मीन्स दैट ही मे बी रिमूव्ड बाई गवर्नर किसी भी टाइम मर्जी से। He may also quit his office by submitting resignation to governor. Conventionally, he resigns when government resigns or is replaced. अगर नई गवर्नमेंट आ गई तो अटॉर्नी जनरल या फिर एडवोकेट जनरल रिजाइन कर देगा। Remuneration of advocate general is not fixed by the constitution. जितना गवर्नर भाई साहब फिक्स करेंगे उतना इस भाई साहब को मिलेगा, ठीक है। इसके ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं, उसके ड्यूटीज़ भी अपन ने पढ़ी थी, इनकी ड्यूटीज़ भी देख लेते हैं। तो जैसा कि बताया कि ही इज चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन स्टेट। इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, एडवाइस देगा स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स के ऊपर, विच आर रेफर्ड टू हिम बाई गवर्नर। गवर्नर जब इसको रेफर करेगा उन्हीं लीगल मैटर्स के ऊपर एडवाइस देगा, बिना मतलब में नहीं कि हाँ भाई अरे थोड़ी बहुत एडवाइस मेरी भी ले लो, ऐसा नहीं करेगा वो। गवर्नर जब उसको कहेगा तभी देगा। परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ लीगल करेक्टर जब गवर्नर कहेगा। बॉस कौन हुआ, गवर्नर। डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्म्ड ऑन हिम बाई कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। अगर फ्यूचर में ऐसा होता है या फिर संविधान ने उसके ऊपर कहा कि भाई तेरे को ये काम भी करना पड़ेगा ना, गवर्नर से तो कहीं ऊँचा है ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इन परफॉर्मेंस ऑफिशियल ड्यूटीज, एडवोकेट जनरल इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। ही इज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और एनी कमेटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही मे बी ए मेम्बर, बट विदाउट राइट टू वोट। इसके बारे में अपन ने पहले बात कर ली इससे पहले वाले चैप्टर में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाले में। उसके ही एन्जॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द मेम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसको पढ़ो आराम से। अब देखो ये ठीक है, आप देख लेना। अभी एक बार ये लिस्ट दे रखी है वो देख लेते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। आर्टिकल नंबर 76 के अंदर आता है अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 148 CAG कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 165 यही चैप्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 243
स्टेट फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. 243 के सारे स्टेट को लेके हैं ये. स्टेट इलेक्शन कमीशन 243ZD, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 243ZE, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी 263 इंटरस्टेट काउंसिल, GST काउंसिल 279A, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया. 280 फाइनेंस कमीशन, इंपॉर्टेंट बॉडी विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. 307 इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन. 315 UPSC एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इंपॉर्टेंट. 324 इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन. 338 A, 338B, 330, अभी तीनों के तीनों, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस. 339 शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन. 340 बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. 344 ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल स्पेशल ऑफिसर फॉर लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज 350. तो ये सारी की सारी अपने क्या हैं, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. तो इसमें से अपन ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया, इस वाले पूरे के पूरे सेक्शन में, लक्ष्मीकांत के में AGI पढ़ लिए हैं अपन ने, ये भाई साहब पढ़ लिए अपन ने, ये भाई साहब पढ़ लिए. स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर ली, फाइनेंस कमीशन वाले चैप्टर में इनके बारे में बात कर ली है. उसके अलावा अपन ने GST के बारे में बात कर ली, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर ली, UPSC के बारे में बात कर ली है, इलेक्शन के कमीशन के बारे में बात की है. ये तीनों चैप्टर भी कवर किए हैं अपन ने, ठीक है, और ये भी कवर किए हैं. बचे हुए लक्ष्मीकांत सर ने यहाँ वहाँ कवर कर रखे हैं, उनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे. तब तक के लिए रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. आगे हम लोग कवर करेंगे इसका अगला पार्ट विच इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लासेस. ये अपने चैनल का नाम है और मैं हूँ दीक्षांत. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर. ओके गाइस, बाय. टाइम पास.